लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे, टूटे मिले रिश्ते झूठे मिले। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। यार ऐसे थोड़ी होता है यार, सीरियसली पता नहीं यार लोगों ने क्या किया, जो तैयारी की थी उससे भी नहीं। बट द गुड थिंग इज कि इन्होंने जो ये 20 नंबर वाला सवाल दिया था ना, मैनेजमेंट और लार्ज बिजनेस वाला, ये तो आपके भाई ने कर दिया। मेरा ये नहीं होगा। हा हा, फेल होगा बेटा तू, फेल होगा। ये वाला कौन सा वाला? ये वाला लास्ट वाला, लास्ट ही नंबर वाला। हां ना, ये तो किया। अगर काउंट करें ना सारे मिलके तो कम से कम 65 नंबर तो मेरे कहीं नहीं गए। लूजर्स, लूजर्स, फेल, फेल। अरे पास भाई। हां भाई कैसा हुआ? लड़कियों से निकलोगे तो बेटा पेपर होगा ना। ट्रेड पक्की है ना? पक्की है। कौन सा वाला? ये कौन सा वाला दिखा? ये वाला इसके लिए पढ़ के आना था तो ये सब हो जाना था। बोला था पढ़ना नहीं है, वैल्यू नहीं आ रही। अच्छा बेटा तुम लोग तो हो गए सारे फेल, मैं जा रहा हूँ। ओके ओके, बाय बाय। ओके बाद में मिलते हैं, बाद में। बाय, टेक केयर। हेलो, हाय। क्या यार अकेले अकेले खा रही हो? और तुम, पेपर कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ तुम्हारा? बहुत अच्छा हुआ। तो व्हाट नेक्स्ट यार, अब क्या करना? पता नहीं, डैड कह रहे हैं कि मैं एमबीए के लिए बाहर चली जाऊं। प्यार नहीं करती आप मुझसे? टाइम पास कर रही हैं, बाहर चली जाएंगे? थोड़ा सा करती हूँ वैसे, पर मैं भी थोड़ा सा अपनी नई जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अभी बहुत कुछ करना है मुझे जिंदगी। खबरदार जो तुमने कहीं और कॉन्सेंट्रेट किया। आने पे कॉन्सेंट्रेट कर लें। चले लंच पे? चलो आओ ना। मैं बाइक पे। अच्छा, फॉलो करूंगा तुम्हें। ओके। How was the exam? That was great. Oh yeah? Really? Very. Are you sure? Yes. Did you well? Yes. कुछ खाओगे जानी? नहीं माँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करके आई। अच्छा? तो फिर क्या प्रोग्राम है? तो फिर क्या? क्या करना है? आगे पढ़ना है या कुछ काम शुरू कर दे? सोचो MBA कर लूँ। Really? कहाँ से करना है? University से। यहाँ से या बाहर से? यहाँ यूनिवर्सिटी से। क्या बात कर रही हो? Why didn't you go to States? मुझे बाहर नहीं जाना, मुझे आप लोगों के पास रहना है। अरे चलो, मुझे एक बड़ी इम्पोर्टेंट खबर देनी है तुम्हें। क्या? मैंने तुम्हारे पास होने की खुशी में एक बहुत बड़ी सी पार्टी दी है। सरप्राइज, सरप्राइज। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी पार्टी फिर से? या आप लोग और कुछ नहीं करते पार्टी के अलावा? देखिए मैंने सोचा ये तो भाई इतनी जरूरी पार्टी है बेटा, ओकेजन है ना। बस बेटा आपसे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? आप पास हो जाएंगे? डैड बस करते हैं। ऑफ कोर्स, ये कैसा सवाल है? मैं कभी श्योर फेल हुई हूं? मैं कभी नहीं होगी। आर यू श्योर दिस टाइम? दैट्स स्टॉप इट, माय पार्टी डिपेंड्स ऑन यू पासिंग। ओह गॉड, बहुत तंग करते हैं आप। आपको तो कभी तंग नहीं किया, तो बेटी को तो करूं। सो स्वीट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ। कैसा हुआ पर्चा तुम्हारा? जी बहुत अच्छा। आप क्या कर रही हैं? टीवी देख रही हूँ। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी कम वक्त फिर से।
अच्छा तुम्हारा खाना रखा हुआ है किचन में, खा लेना बेटा। नहीं मैं पहले जरा नहा लूं, भूख नहीं है मुझे। अच्छा नलका चेक करो पहले, पानी आ भी रहा है या नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, उस वक्त तक तो नहीं आ रहा था। फिर नहीं आ रहा पानी, सुबह भी नहीं था, अभी भी नहीं है। क्या मजाक लगाया भाई यूनियन वालों ने। सुबह से 3-4 दफा शिकायत कर चुकी हूँ, कोई असर ही नहीं होता इन लोगों पे, कान पे जू नहीं रेंगती। मैं बात करके आ, अभी आ। अजीब मुसीबत है यार, सुबह से पानी भी नहीं आ रहा। तो क्या हुआ यार, पानी ही तो है, आ जाएगा। इसमें अपना मूड खराब करने की क्या बात है। आपके लिए कहना बहुत आसान है मैडम। वो अबे यार क्या हुआ, लाइट चली गई। तुम हंस रही हो यार। I'm so sorry. तुम हंस रही हो, पहले ही गर्मी से दिमाग खराब हो रहा है यार, ऊपर से अब लाइट भी चली गई है। कोई बात नहीं यार, इसमें फिर तुम परेशान हो रहे हो, लाइट चलेगी तो वो भी आ जाएगी, हम 2 घंटे बातें करेंगे और फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अच्छा जी, खुद को सोना पड़ेगा ना गर्मी में तो पता लगेगा। तो तुमसे शादी करने के बाद तो ऐसा ही होगा ना। क्यों, तुम शादी के बाद जनरेटर लाने वाली नहीं हो क्या जहेज में? तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो? अब मुझे पता चला बदतमीज। क्या यार, इतना तो हक बनता है यार मेरा। हक के बच्चे, कितने बदतमीज हो तुम, ये अब मुझे पता चला। अच्छा राबिया जी, मैंने जका और सरफराज को पार्टी में बुला लिया, अब तुमने सिर्फ ये करना है कि अलवीरा के सामने जका का जिक्र छेड़ना है, ठीक है? अरे क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रही हो? मैं ये सोच रही थी यार कि अलवीरा नहीं मानेगी। क्यों, क्यों नहीं मानेगी? अरे डिसेंट लड़का है, खूबसूरत है, सेटल्ड है, सब कुछ है उसके पास। आई नो वो सब ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखें ना शाहनवाज कि उसने आज तक अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद किए हैं, तो इतना बड़ा फैसला हम लोग कैसे कर सकते हैं अकेले? अरे बाबा मैं कुछ जबरदस्ती करवा रहा हूँ? हाँ मैं कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ क्या? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि वो देख तो ले एक दफा, ये समझो कि हम उसको एक ऑप्शन दे रहे हैं। इसमें क्या बुराई है, तुम बात तो करके देखो यार। चले ठीक है, आप कहते हैं तो पूछ लूंगी। अच्छा ये बताएं कि पार्टी के अरेंजमेंट्स कौन कर रहा है? मम्मी चाय दे दें। अरे ला रही हूँ बेटा, ये रही तुम्हारी चाय, जरा आराम से नाश्ता करो, हमेशा जल्दी में रहते हो। मम्मी देर हो रही है मुझे। बेटा कब तक चलेगी ये पढ़ाई? एक सेमेस्टर तो रह गया। वो सब खत्म करो ये पढ़ाई के झमेले। खाली बीबीए से कुछ नहीं होता, एमबीए करूंगा तो बहुत फायदा होगा। अच्छा नौकरी कैसी चल रही है? बस चल रही है जैसी तैसी, दुआ करें एक दो जगह अप्लाई किया। बेटा तुम्हारे लिए दुआएं हर वक्त करती हूँ, लेकिन लगता है मेरी दुआओं में असर ही नहीं है। तुम्हारे अब्बा के लिए भी कितनी दुआएं की, क्या हासिल हुआ? कभी कुछ पॉजिटिव भी सोच लिया करें, सारा दिन नेगेटिव सोचती रहती है। तुम्हारे डैडी चाह रहे थे कि तुम जका के बारे में कुछ सोचो। मैं जका के बारे में क्या सोचूं? शादी के बारे में। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। तो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत जल्दी उठ के बेटा तुम, मैं समझी कि छुट्टियां हो गई हैं तो तुम देर से उठोगी। नहीं माँ, यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी क्यों? डैड एमबीए में एडमिशन लेना है। तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम स्टेट्स नहीं जा रही, यहीं पढ़ोगी? अच्छा
भाई वो मैंने जका को पार्टी में इनवाइट किया। जका आया हुआ है? हाँ हाँ, उसने अपना मास्टर कंप्लीट करके वापस आ गया। ग्रेट। बेटा तुम जल्दी क्यों नहीं होते? मिल लूंगी। ओए गर्ल्स, आई हैव टू रन। बात सुनो, बात कर रहे हो। कौन सी बात? मम्मी से बात करो, बताएंगे। ऑलराइट, बाय बाय। कौन सी बात माँ? कोई खास बात नहीं है, वो तुम्हारे डैडी चाह रहे थे कि तुम जका के बारे में कुछ सोचो। मैं जका के बारे में क्या सोचूं? शादी के बारे में, आखिर एक दिन शादी तो करनी है ना। हाँ करनी है, बट मैं और जका, व्हाई नॉट बेटा? अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, और सबसे बड़ी बात है कि ही इज योर फ्रेंड। अच्छा लड़का है और दोस्त भी बहुत अच्छा है, बट मैंने जगह के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तो अब सोच लो बेटा। माँ दिस इज टू फनी, आप लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, और एकदम से ये शादी की बात बीच में कैसे आ गई? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने एमबीए में एडमिशन लेना है। हाँ तो जानिए कर लेना एमबीए, उसमें क्या है, हम कौन सा अभी शादी कर रहे हैं, हम तो रिश्ता ही तय कर रहे हैं ना। अम्मी आप ये सब क्यों कह रही हैं? आई थॉट आप दोनों ने मिलके ही मुझे ये हक दिया था कि मैं अपनी सारी जिंदगी के डिसीजंस खुद ले सकूं। अब आप लोग ये टिपिकल पेरेंट्स क्यों बन रहे हैं? मुझे जकात से शादी नहीं करनी, आई एम इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। What? Are you serious? या तुम जका से शादी ना करने की वजह से बहाना बना रही हो? अम्मी मैं ये बात सिर्फ आपको कह रही हूँ, मुझे किसी और से शादी करनी है, मुझे कोई और पसंद है, और जब उससे शादी करने का टाइम आएगा तो मैं आप लोगों से मिलवा दूंगी। Now I'm getting late. I have to go. Bye. हेलो। मैं कब से फोन तुम्हारा ट्राई कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार बाइक चला रहा हूँ यार। अलवीरा क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? बता तो रहा हूँ बाइक चला रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, बोलो। अच्छा मुझे तुमसे फौरन मिलना है, अभी इसी वक्त। अभी अभी नहीं आ सकता यार, अभी ऑफिस के बाद मिल लूंगा ना तुमसे। तुम्हारा ऑफिस मुझसे ज्यादा जरूरी है। नहीं यार ऐसी बात नहीं, एक मीटिंग है जरूरी, मीटिंग जैसे ही खत्म होगी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। अच्छा तो मैं एक काम करती हूँ ना, तुम्हारे ऑफिस आ जाती हूँ, क्या कहते हो? पागल हो गई हो क्या यार? नहीं नहीं नौकरी है मेरी, निकलवाओगी क्या? जैसे ऑफिस खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। तो फिर क्या करें हमजा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है तुम रेस्टोरेंट आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके डोंट बी लेट प्लीज। अच्छा चलो ओके ओके बाय बाय। राइट ऑन टाइम आपने बुलाया और हम मूड ऑफ है, क्यों? मत पूछो। झगड़ा हो गया किसी से? अम्मी से ऑलमोस्ट। क्यों? Do you remember जका? हाँ। वो मुझसे उसके साथ शादी के बारे में बात कर रहे हैं। तुमने क्या जवाब दिया? क्या कहा? कुछ नहीं, यही कहा कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। बता दिया तो फिर उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं, क्या कहेंगे? तो करना क्या है? मैंने सोचा है कि जिस दिन घर पे पार्टी है उस दिन इंट्रोड्यूस करा दूं तुम्हें उनसे। Are you serious? Of course I'm serious. तुम पिटवाओगी यार अभी। देखो हमजा कभी ना कभी तो तुम्हें मिलना है डैड से, तो अब क्यों नहीं? Come on यार अभी। Look at you यार, कहां तुम
काम है। तुम अभी भी BMW पे आ रही हो, मैं बाइक पर आया, वो भी 70 cc, तुम्हारे बस देखते ही रिजेक्ट कर देगा मुझे। हमजा, तुम्हें ये सारी बातें मुझसे मोहब्बत करने से पहले सोचनी चाहिए। एंड ऑनेस्टली मुझे इन मटेरियलिस्टिक चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ वक्त तो दो यार, कम से कम इतना वक्त कि तुम्हारे अब्बा के सामने कुछ इतना कर लूं कि वो रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचे। और ये कब होगा? बी प्रैक्टिकल हमजा, ये सारे चेंजेस तुम्हारी लाइफ में एकदम से नहीं आ सकते, इसमें टाइम लगेगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स तो मुझे होनी चाहिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? ये किसने बोला? ये जब आप राइट ऑन टाइम आए थे ना, उससे पहले मैंने ऑर्डर किया था। अब करना क्या है यार, ऑन वेरी सीरियस नोट यार। मैं बना दूं? वो भी मैं कर रहा हूँ, देखो यार, I'm so confused. हेलो अंकल। हेलो मेरे बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चेस चल रहा है? बस चल ही रहा है कुछ। अच्छा बात सुनो, सरफराज कहाँ? उसने भी तो आ रहा था। पापा इज ऑन द वे, इज कमिंग। अच्छा, तुम्हारी अलवीरा से बात हो गई? तुमने उसको बताया कि तुम आए हो? या आई डिड कॉल हर, बट उसने कॉल रिसीव नहीं की मेरी। यार अभी अभी एग्जाम खत्म हुए हैं, बिजी होगी बहुत, तुम दोबारा फोन कर लेना उसको। ओके ओके, आई विल। चेस खेलो ना यार, चलो लेट्स स्टार्ट। तो योर टर्न। हां हां, नहीं नहीं यार, इट्स वेरी रैंडम, मुझे एक ईमेल आया ना, मैंने कहा चलो व्हाई नॉट। हां प्रोग्राम बताओ मुझे। राइट, मैं करता हूं तुम्हें फोन। कैसा रहा दिन आपका? वेरी नाइस। सकीना, चाय लाओ साहब के लिए। बाय द वे, आई एम गोइंग टू जिनीवा। जिनीवा अचानक? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई है। और फिर एक सेमिनार भी अटेंड करना है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? About 20 days. तुम चलो ना, शॉपिंग कर लेना। शॉपिंग तो करनी है, लेकिन मैं एक हफ्ते के बाद ज्वाइन करूं आपको? ओके, अलवीरा को साथ ले जाऊं? पूछ लूंगी अगर वो जाना चाहेगी तो। बात की तुमने उसे? की थी। फिर? भाई उसने कहा कि जब मैंने अपनी सारी जिंदगी के फैसले खुद किए हैं तो फिर ये फैसला भी खुद करूंगी, और जका को उसने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? भाई वो कहती है कि मैं उसे सिर्फ दोस्त की नजर से देखती हूँ, उसके अलावा मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। तो उसे कहो ना कि देखे ऐसी नजर से। बहुत क्लियरली मना किया उसने। शी इज नॉट इंटरेस्टेड। इज शी इंटरेस्टेड इन समवन एल्स? कोई और है? है ना? कौन है? पता नहीं, बस यही बताया है कि किसी को पसंद करती हूँ, लेकिन नाम नहीं बताया। हेलो, हाँ भाई टिकट करवा दो। यस, खाना सही बना है? बहुत अच्छा। रोटी दीजिएगा ये, एक मिनट ऑफिस से। हेलो, हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी करता हूँ कॉल। ओके बाय बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? किसका फोन था? ऑफिस से था। दुनिया देखी हमने भी, इतनी बेचैनी से कोई ऑफिस का फोन नहीं उठाता। जरूर किसी लड़की का होगा। दोस्त थी? सिर्फ दोस्त? तुम्हारी खाला ने तुम्हारे रिश्ते की बात की है। खाला ने? हाँ, तुम्हारे और फायजा के रिश्ते की, बल्कि मैंने तो हामी भी भर ली है।
किससे पूछ के क्या मतलब? माँ हूँ तुम्हारी, हक है मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत है? कार कर दे। अभी बताती हूँ इलायची की। किस लिए इनकार कर दूं? क्यों कर दूं इनकार? क्योंकि मुझे फायजा से शादी नहीं करनी। किस खुशी में? क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है इसलिए। अरे क्यों नहीं है टाइप की? खानदान की लड़की, देखे भाली, शरीफ, सुगड़, और क्या चाहिए? ये सब कुछ नहीं चाहिए। अरे बेवकूफ कहीं के, हो सकता है कि तुम्हारे खालू तुम्हें कारोबार में सेट कर दें या अपने पास दुबई बुला लें। सिर्फ इन सब बातों की वजह से शादी कर लूं? अरे नहीं करनी यार। तो फिर किससे करनी है? उस लड़की से जिसका भी फोन आया था? हाँ उसी से करनी है, और उसका नाम अलवीरा है, और मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। बेशर्म कहीं का, शर्म नहीं आती माँ से इस तरह बात करते हुए? तो शर्म की क्या बात है, मोहब्बत करता हूँ किसी से, माँ को नहीं बताऊंगा तो और किसको बताऊंगा? हाथों से निकल चुके हो तो, बिल्कुल निकल गए हो मेरे हाथों। हाँ निकल गया हाथों से। फिर खाना खा लिया तुमने? अकेले अकेले हैं। हेलो हमजा। हेलो हमजा, क्या हो गया है? अम्मी से झगड़ा हो गया। व्हाट? क्यों अचानक? शादी कराना चाहती है मेरी अपनी खाला की बेटी से। लो तो इसमें झगड़ने वाली क्या बात है, ये तो गुड न्यूज है। बकवास मत करो यार। यार इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है, शादी तो होनी है कभी ना कभी। अपना मूड क्यों ऑफ किया हुआ है तुमने? तुम भी तो अपसेट हो गई थी जब जगह के बारे में बात की थी मैंने। यार मेरी ना प्रॉब्लम अलग थी, तुम्हारी प्रॉब्लम अलग है। जी अच्छा, तो फिर तुमने क्या कहा? कहना क्या था? इनकार कर दिया और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। व्हाट, आर यू सीरियस? तो फिर उन्होंने क्या कहा? क्या बोलेंगी, नाराज हुई। और क्या कहा? कुछ नहीं यार, इनिशियल रिएक्शन तो वही होना था ना उनका, बट आई एम श्योर मान जाएंगे वो, तुम परेशान मत हो। ओह माय गॉड हमजा, क्या होगा? क्या बोल तो रहा हूँ, मान जाएंगी, मैं मना लूंगा। जी आप ठीक कह रही हैं। चलें फिर, मैं सोच के आपको बताती हूँ। ओके ओके बाय। माँ किससे बातें कर रही थी? वो मिसेस फैजान का फोन था जानी। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। डैड किधर है? डैड तो जिनेवा चले गए। व्हाट, मुझसे मिले बगैर? कुछ अर्जेंट मीटिंग्स थी उनकी, और कुछ उनके सेमिनार्स थी। और कब आएंगे? 19-20 डेज। मैं भी जा रही हूँ नेक्स्ट वीक। या दैट्स नाइस। वैसे डैड ने कहा है कि तुम भी चलो हमारे साथ। माँ मूड नहीं है। कम ऑन बेटा, इट वुड बी फन, खूब ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। नेक्स्ट टाइम। अलवीरा मैं नोट कर रही हूँ कि तुम हमारी हर बात पे झट से ना बोल देती हो। नहीं ऐसी बात नहीं है माँ। ऐसी ही बात है, तुम बहुत ज्यादा मनमानी करने लगी हो। आई थिंक आपको ये इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने जखा की बात पे मना कर दी। और भी बहुत सारी बातें हैं बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप हैं और हमारा भी कुछ राइट है तुम पर, है ना? अगर हम चाह रहे हैं कि तुम हमारे साथ चलो, we'll have fun, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ओके फाइन, मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ। वैसे आप इमोशनल ब्लैकमेल ना बहुत अच्छा करती हैं। अब मुझे पता चला मेरे डैड को आपने उंगलियों पे कैसे नचाया हुआ है। जी नहीं, जी हाँ। चले आप मुझे फ्रूट खिलाएं। अच्छा वो भी मैं खिलाऊं? मम्मी है ना आप। चलो
मेरा बच्चा। चलेंगे, मजा करेंगे, शॉपिंग कराएंगे, खूब। कई दिन से तुम्हारी और फायजा के सिलसिले में बात करना चाह रही थी। लेकिन जब मैंने आपसे कहा है कि मैं फायजा से शादी नहीं करूंगा तो जवाब दे देना, इनकार कर दे। न जाने किस लड़की के चक्कर में फंस के माँ की ख्वाहिश को ठुकरा रहे हो। कोई नहीं है अपना, नहीं कोई अपना। How do you agree? तुम्हें खाता हुआ देख रही हूँ। भूख लगी है यार। तुम मुझसे मिलने आए हो या खाना खाने आए हो? खाना खाने। मैं जा रही हूँ। अच्छा, तुमसे मिलने आया हूँ, ऑफ कोर्स। मैं यहाँ से नहीं, मैं वैसे जा रही हूँ। कहाँ? जिनीवा जा रही हूँ 3 दिन बाद। क्यों? डैड वहाँ पे गए हुए हैं किसी कॉन्फ्रेंस पे, तो मॉम भी जा रही हैं। फिर मॉम का तो तुम्हें पता है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई। तुम भी हमारे साथ चलो, हमारे साथ कोई टाइम नहीं स्पेंड करती तुम अलवीरा। चलो अच्छा, तुम हॉलीडेज पे जा रही हो, मुझे लगा तुम्हारा कोई पक्का प्लान है लंबा वाला। नहीं, जाओ, चेंज मिल जाएगा। चेंज तो मिलेगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये बेहतरीन मौका है उन लोगों से तुम्हारे और मेरे बारे में बात करने का। विल यू मिस मी? मुझे क्या लगता, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। डेली वैसे आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। पता नहीं शादी के बाद तुम्हें घुमा पाऊंगा, अफोर्ड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसे क्यों कहते हो हमजा? क्योंकि सच है। सच नहीं है, तुम्हें नहीं पता जिंदगी में क्या होने वाला है। यह है कि तुम कुछ खा नहीं रही हो, क्या खाओगी? क्योंकि तुम खा रहे हो कब से। मंगा रहा हूँ यार, ये अफोर्ड कर सकता हूँ। हेलो, इधर आना मेरे दोस्त, जल्दी आओ ना, इंतजार किस बात का। क्या लेंगे? पास्ता। पास्ता, वाइट सॉस, आखिरी पास्ता। हमजा, तुमने कहा था कि 20 मिनट बाद आ रहे हो, लेकिन तुम 45 मिनट बाद आए हो। क्या करें जनाब, लगता है लोड शेडिंग का दौरानिया जो है उन्होंने बढ़ा दिया। बट एनीवे, आप कैसी हैं? मैं तुम्हारे बगैर बड़ी उदास। उदास? सच में? अरे छोड़ो, खूब मजे कर रही होगी तुम जिनीवा, साफ पता लग रहा है। जी नहीं, ऐसा ही है। हमजा, एक बात कहूं? अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू, मुझे पता है मैं तो हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। काश मैं तुम्हारे बारे में भी ऐसा कह सकती। अलवीरा। ओके फाइन, आई एम जस्ट किडिंग। मुझे बताओ, मिस कर रहे हो मुझे? एक्चुअली मैंने रियलाइज किया तुम्हारे बगैर लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही है। आई एम हैप्पी। वैसे तुम्हें पता है, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे यहाँ पे आने के बाद अंदाजा हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा ये बताओ, वापस कब आ रही हो? बताया ना, 2-3 दिन में। कैसे गुजरेंगे ये 3 दिन मेरे? डोंट आस्क। अपने डैड से बात की? नहीं यार, डैड से बात करने का मौका ही नहीं मिला। बस हार्डली डिनर टेबल पे बात होती है या ब्रेकफास्ट टेबल पे, और फिर वो भाग जाते हैं। और जका के पेरेंट्स भी तो हर वक्त हमारे सर पे मंडला रहे होते हैं, इसलिए मौका ही नहीं मिला है। जका? जका कहाँ से आ गया? सुनो, ये कोई प्लानिंग तो नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स की कि जका से मिलोगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी? व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं, आर यू मैड? वैसे तुम शायद सही कह रहे हो, लेकिन जका तो हर वक्त डैड के साथ होता है, मेरा हार्डली उससे कोई इंटरेक्शन होता है। अरे चलो यार, बेल बज रही है, फिर बाद में बात करेंगे। ओके हमजा,
बाय 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 कैन आई ब्रेक दिस नाउ आप कहाँ गई थी तुम्हारी खाला की तरफ गई थी बेटा जरा एक ग्लास ठंडा पानी तो पिलाना मुझे आप चले मैं पिला दूँ आज अचानक से खाला की कैसे याद आ गई आपको एक तो कमेटी के पैसे देने थे दूसरा वो कई दिन से तुम्हारी और फायजा के सिलसिले में बात करना चाह रही थी मैंने कहा चलो जाके बात कर लो क्या जवाब दिया आपने क्या जवाब दे दिया अभी कुछ जवाब नहीं दिया लेकिन जब मैंने आपसे कहा है कि मैं फायजा से शादी नहीं करूंगा तो जवाब दे देना इनकार कर दे कैसे साफ साफ इनकार कर दूं तुम्हारी खातिर अपनी बहन से रिश्ता खराब कर लूं मम्मी प्लीज यार न जाने किस लड़की के चक्कर में फंस के माँ की ख्वाहिश को ठुकरा रहे हो हद होती है समझ नहीं आता इन लोगों को कि रिश्तेदारी खराब करवा देते हैं किसी की परवाह नहीं है बस अपने में लगे रहते हैं आसिफ गाड़ी से सामान निकालो अलवीरा कहीं जा रही हो बेटा जी अम्मी जरा एक काम से जा रही हूँ थोड़ी देर में आ जाऊंगी आप चेंज कर लें मैंने तुम्हें इतना मिस किया हमजा कि मैं तुम्हें क्या बताऊं really? मेरा दिल कर रहा था कि एक फ्लाइट लूं और डायरेक्टली तुम्हारे घर पे लैंड करूं लेकिन तुम आई तो नहीं अच्छा तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है ये क्या वो देखो इसकी क्या जरूरत थी अलवीरा बहुत जरूरी थी हमजा अब तुम इसे पहन के वक्त पे पहुंचना मेरे पास हर जगह अब मुझे कम इंतजार करवाना बहुत एक्सपेंसिव लग रही है गिफ्ट महंगा और सस्ता नहीं होता गिफ्ट गिफ्ट होता है कैसा लगा इट्स ब्यूटीफुल थैंक यू अब तुम मुझे थैंक यू किया करोगे मतलब कि मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि जब तुम बाहर जाया करोगे तो मेरे लिए भी गिफ्ट लाया करोगे मतलब कि तुम्हें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि मैं कभी बाहर जाने वाला हूं हम सब प्लीज ऐसी बातें मत किया करो अच्छा छोड़ो यार बाहर नहीं ले आ सकता जूस तो पिला सकते जूस पियोगे जा हेलो बॉय कम हियर ये लो तुम्हारी चाय मगर ये बताओ कि ये चाय पीने का कौन सा वक्त है हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करनी है आज मुझे ये कहां से आई गिफ्ट है बहुत महंगी लग रही है हाँ है तो उसी लड़की ने दी है ना हाँ क्या बहुत अमीर है वो हाँ बहुत अमीर है ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई क्या कि वो बहुत अमीर है उससे क्या फर्क पड़ता है मैंने उससे मोहब्बत इसलिए थोड़ी की क्योंकि वो अमीर है अरे उमर तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो बिल्कुल अपने बाप की तरह अहमक अरे अगर मुझे बता देते कि वो अमीर लड़की है तो भला मुझे क्या एतराज होता किस किस्म की बातें करती हैं आप
कभी कभी हैरत होती है मुझे आपकी सोच पर। हम तो ऐसी ही बातें करते हैं और ऐसी बातें करनी भी चाहिए। Hello. Hi, Zaka. How are you? Very well. How are you? I'm fine. Good. वैसे आज कोई ख़यामत डाल रहा है। Really? I wish I could say the same for you. I'm just kidding. It's for you. ये क्या है? It's your graduation gift. Thanks. वैसे it's a German diamonds. एक second हाँ? Hi. Late kyun aaye? Bike par aaye hain yaar. Thank you. Congratulations. This is for you. Thanks. You're beautiful. Acha aao tumhe main ek baat sunaun. Abhi foran. Haan, abhi foran. Dad. Sorry, excuse me. Dad, this is my friend Hamza. Hello, Mantra. Sir. Go ahead. Have a nice time. Oh, Ma? Ma? Hi, Dad. Sorry. Ma, this is my friend Hamza. Ji, ma'am. Are you okay? Very nice party. Ji. Nice party. Hey, how's it going? I don't know. It's weird. Cute. हमारे अब्बा लिफ्ट नहीं करा रहे यार। अब थोड़े से रिजर्व रहते हैं इनिशियली, फिर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। नाइस पार्टी है। थैंक्स, आई लव द फ्लावर्स। है ना, इट्स बीन अ गुड। हाउ मामला उलट ही ना हो जाए। अलवीरा बहुत सीरियसली इन्वॉल्व्ड है उसमें। आपने पार्टी में देखा नहीं था? उस लड़के के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तुम्हें उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी और उसके लिए मैं तुम्हें ढेर सा पैसा दूंगा, मगर तुम्हें हर हाल में उसको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा लगा कोई पास है, जीवन की राहों में साथ है। देखा जो हाथ बढ़ा के सपनों के रेशमी धागे टूटे मिले, रिश्ते झूठे मिले।